हिंद भारत देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। माँ दुर्गा की नौमी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन को रामनवमी भी कहा जाता है। मान्यता ये है कि इस दिन क्षत्रिय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र तो ऊपर वाले हाथ में गधा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशिष्टव और वशिष्ठ 8 सिद्धियां होती हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से ये तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। सबसे पहले माँ की तस्वीर या मूर्ति रखें, फिर माँ की आरती और हवन करें। हवन करते समय व्यक्ति को सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, फिर माँ का नाम लेना चाहिए। इस दौरान दुर्गा सप्तमी के सभी श्लोक मंत्र पढ़ने चाहिए। इन मंत्रों के साथ ही आहुति दें। माँ के बीच मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही साथ भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा करें, फिर माँ की आराधना करें। माँ को प्रसाद चढ़ाएं, सभी लोगों को बाद में प्रसाद बांटें। माँ सिद्धिदात्री का भोग। मान्यता ये है कि माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से वह प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहिए हिंद भारत। जय माता की।